तो भाई आज हम आपको दिखाएंगे फरीदाबाद की माता सीता रसोई। यहाँ पे मिलता है 10 रुपए में भोजन, और भोजन में क्या क्या आइटम होते हैं वो भी हम दिखाएंगे। और यहाँ पे दो तरह की थाली है, एक थाली है 10 रुपए की जो खाने की रहती है, और एक थाली है 20 रुपए की। अगर आप थाली बांटना चाहते हैं तो आपको 20 रुपए के हिसाब से आप पे करके यहाँ पे अपनी थाली। हेलो जी अंकल, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया अंकल। तो मैं जानना चाहूंगा कि माता सीता रसोई का संचालन कैसे हो रहा है? तो पब्लिक के सहयोग से हो रहा है। पब्लिक के सहयोग से, तो इतना सहयोग हो जाता है पब्लिक का? हो जाता है। तो अंकल कितना टाइम हो गया तकरीबन? 5वां साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है। तो अंकल कितने रुपए में खिला रहे हैं आप? 10 रुपए। 10 रुपए में, और एक 20 रुपए भी लगा हुआ है आपके यहाँ? 20 रुपए कोई अपनी तरफ से बांटना चाहे उसके लिए 20 रुपए। अच्छा अच्छा, मतलब किसी भी ओकेजन पे बंटवाना चाहे? हाँ, तो 20 रुपए के हिसाब से पे करके 100 थाली 50 थाली, हाँ, जो भी जितनी श्रद्धा हो बंटवा सकता है या सहयोग कर सकता है। हाँ, तो अंकल जी आज क्या बना हुआ है? आज चावल है, दाल मखनी है। अच्छा, ये चावल है? हाँ, ये दाल मखनी है। एक मिनट, ये दाल मखनी है, ये दाल मखनी है, और ये छोले हैं, काले छोले। ये काले छोले हैं? तो अंकल डेली एक जैसा के? अलग नहीं, अलग 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 बनता है। अलग अलग। तो भाई ये देखिए यहाँ पे चावल बनाया हुआ है आज। तो अंकल चावल तो डेली बनता होगा? डेली बनता है चावल। दाल मखनी है? ये दाल मखनी है। तो दाल वगैरह तो डेली चेंज होती होगी? अलग अलग अलग, किस दिन छोले है, किस दिन दाल है, किस दिन राजमा है, किस दिन सोयाबीन वाली दाल है, किस दिन वो अरहर की दाल है। आज इसमें क्या बनाया है? इसमें छोले बनाए हुए, काले छोले। अच्छा, मटर छोले, क्या बोलते हैं, चना छोले रहते हैं? ये क्या बात है, ये भी चेंज होता रहता होगा? सब चेंज होता है रोज। तो अंकल जी लगा के दिखाएं, एक थाली कैसे लगाते हैं? ये आ गया पहले चावल, और ये दाल। अंकल कोई रिफिल करा सकता है क्या? हाँ, रिफिल करा सकता है, पर अपने बर्तन लाने पड़ेंगे उसको। नहीं नहीं, मतलब इसमें जैसे कोई दोबारा लेना चाहे? हाँ, तो वो टोकन अलग से लेना। टोकन अलग से लेना? 10 रुपए का टोकन है। अच्छा, 10 रुपए का। 10 रुपए 4 रोटी देते हैं? नहीं, 2 रोटी देते हैं, और बाकी सब्जी और ये। अच्छा अच्छा, बाकी सब्जी वगैरह? हाँ, ये जो है ना सब्जी, 2 रोटी, और साथ में तंदूरी रोटियां रहती है। हाँ जी, हाँ जी। क्या भाई, ये चेक कीजिए भाई, ये यहाँ तंदूरी रोटी बनाई जाती है। तो वैसे तो सफिशियंट होता है एक आदमी के हिसाब से? बहुत होता है, इसमें भी लोग चूटा छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप लोग तो सब सेवा कर रहे हो? सेवा सब फ्री में है, सिर्फ तनख्वाह वाले या 3 आदमी कुक हैं वो भी बस। अच्छा, वो भी कुक हैं, बाकी सब तो फ्री सेवा कर रहे हो? सेवादार है। हाँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो अंकल आप लोग तो। तो भाई देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य हो रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो 10 रुपए में अपना पेट भरते हैं। आप देखिए यहाँ पे बैठने की जो व्यवस्था है वो भी काफी अच्छी है, शेड लगाया हुआ है, टेबल कुर्सी की भी व्यवस्था है, टेबल्स की व्यवस्था है, जहाँ पे जरूरतमंद लोग आके अपना भोजन एंजॉय करते हैं। तो अंकल टाइमिंग वगैरह क्या रहती है? 11 से 1:30। और एड्रेस क्या है अंकल ये? खान दौलतराम धर्मशाला। दौलतराम धर्मशाला, बस अड्डा, नियर बस अड्डा, फरीदाबाद।